जम्मू कश्मीर में एमसी सदर देवसर मुश्ताक अहमद ने साथी कारकुनों के हमरा देवसर में मेरा बुथ सबसे मजबूत के तहत मुहिम चलाई और इस मौके पर इस प्रोग्राम से खिताब भी किया। ये प्रोग्राम था मेरा बूथ सबसे मजबूत। आज हमें देश के प्रधानमंत्री को सुनना था, सुनने के लिए आज हमने मंडल देवसर में प्रोग्राम रखा था। तो जो 9 साल मोदी जी के बेमिसाल रहे, जो मोदी जी ने 9 सालों में स्कीमें निकाली, उन स्कीमों का फायदा हमें आम गरीब तक पहुंचाना है, यही इस प्रोग्राम का मुद्दा मकसद है। और हमें हर बूथ पे जाना है, हर बूथ में देखना है कि किसी गरीब को कोई दिक्कत तो नहीं है। उस गरीब तक हमें पहुंचना है जो मोदी जी के आदेश है, जो मोदी जी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्करों को हिदायत दिए हैं। जो सबसे पिछड़ा है, जिस तक आज तक कोई नहीं पहुंचा है, यहाँ की रीजनल पार्टियों ने जिनको इग्नोर किया है, उन गरीबों तक हमें पहुंचना है। और जो मोदी जी ने स्कीमें निकाली है इन 9 सालों में, इन स्कीमों का फायदा उन गरीबों तक पहुंचाना है, यही मुद्दा मकसद था। क्या मैसेज रहेगी आपको पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये गरीबों की पार्टी है। हमने जो स्कीमें निकाली है, आयुष्मान कार्ड, हर गरीब को आज या अमीर हो, हर किसी का, जम्मू कश्मीर के लिए तो ये मोदी जी ने सौगात दी है, चाहे अमीर हो गरीब हो, 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस हर व्यक्ति को मिल रहा है, हर साल 5 लाख उस पर खर्च, अगर वो बीमार हो, कोई ऑपरेशन हो इसको, तो 5 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से उस पर खर्च किया जाता है हर एक साल में। जो बाकी उज्ज्वला स्कीम है, हर माँ बहन को गैस मिला है, जो पीएम किसान है, पीएम किसान में हर साल 6,000 रुपए किसान को मिलते हैं, ओल्ड एज वालों को हर महीने 1,000 रुपया मिलता था जो 200 रुपए लेते थे, आज हर गरीब तक जल जीवन योजना, हर घर को नल से जल, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों तक पहुंच रहा है। जो लास्ट व्यक्ति है जिस तक आज तक कोई नहीं पहुंचा है, वहां तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंच रहा है। आपने पिछले कोविड में आपने देखा होगा, हमने अपने घरों से, जो गरीब लोग थे, अपने घरों से जितना भी हमारा गुजारा था, जिसके पास राशन नहीं थी उसको उस तक राशन पहुंचाई, जिसके पास दवाई नहीं थी उस तक दवाई पहुंचाई, जिसके पास मास्क नहीं थी उस तक मास्क पहुंचाई।